नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। कारगिल युद्ध में दुश्मनों के खिलाफ अपनी जौहर दिखा चुके बदानी नगर निवासी सूबेदार एचएन यादव के आवास पर कारगिल युद्ध के 23वें विजय दिवस पर कारगिल के वीर शहीदों की याद में विधिवत पूजा अर्चना हवन भी किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर सूबेदार एचएन यादव और अन्य अतिथियों ने कहा कि सेना हमारा गौरव व अभिमान है। उनके सच्चे समर्पण के बलबूते देश की सरहदों पर शान से तिरंगे को लहराते हुए अदम्य साहस का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय के वीर सपूतों का राष्ट्र सदा ऋणी रहेगा। आप अपनी सेनाओं पर बिल्कुल भरोसा विश्वास कायम रखें। परिस्थिति चाहे जिस भी प्रकार की होगी, सेनाएं अपना काम करती रही हैं और आगे करती रहेंगी। और चूँकि ये कार्यक्रम में हर साल अपने साथियों के याद में जो इस लड़ाई में मेरे साथ रहे, बैटल जोन में जितने भी मेरे साथ में थे, आज नहीं हैं, उनकी आत्मा की सुख शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके जो पीछे परिवार छोड़ के गए हैं उनकी श्रद्धा, उनका सुख समृद्धि के लिए हम ये कार्यक्रम हर वर्ष अभी तक आयोजित करते आए हैं और आगे भी जब तक जीवन धरती पर रहेगा ये कार्यक्रम जारी रहेगा और देशवासियों को वीरता की परंपरा और कुर्बानी की याद दिलाती जाती रहेगी। धन्यवाद। कार्यक्रम में बड़का गांव विधायक अम्बा प्रसाद सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रामगढ़ झारखंड से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।